मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023, सभी विधानसभा में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। इस बीच विंध्य क्षेत्र की सतना विधानसभा काफी चर्चा में है। सतना विधानसभा के क्या कुछ हालात हैं, क्या वहां है विकास की स्थिति, कैसे विकास हुए हैं और क्या कार्य अभी बचे हैं, वहां जनता का क्या रुझान है, सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अपना पंच सौ में चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं संजय तिवारी जी। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मतदाता भी हैं सतना क्षेत्र के। संजय जी, स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं लक्ष्मण सिंह जी। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, साथ ही सतना के मतदाता भी हैं। सतना की जो राजनीतिक गतिविधि है, विकास कार्य में नजर रखते हैं। स्वागत है आपका लक्ष्मण जी। हमारे साथ हैं विपिन तिवारी जी। आप रिपोर्टर हैं विंध्य फर्स्ट के और सतना जिले की रिपोर्ट कवर किए हैं आप। सतना जिले के जो हालात हैं, जो स्थिति है, उसको देख क्या है। विपिन जी, स्वागत है आपका अपना पंच सौ में। चर्चा की शुरुआत करते हैं हम संजय तिवारी जी के साथ। संजय जी, कैसे देखते हैं सतना की जो विकास की स्थिति है, यदि हम सतना विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कैसे देखते हैं आप विकास कार्यों को? आप सर, जो विकास का मुद्दा है उसके लिए मैं 3-4 पहलुओं पे बात करूंगा। सबसे पहले जनता की राय जो है इस बार जो पहले जो यहाँ के विधायक रहे, इनके पहले वो सिद्धार्थ कुशवाहा के पहले शंकरलाल तिवारी थे, जो ब्राह्मण समुदाय से, यहाँ पे हमेशा ही जातिवाद की राजनीति अग्रसर रही है। आगे वाले समय में भी शायद ऐसा ही रुझान देखने को मिल रहा है। और रही बात विकास की, तो विकास के मुद्दे में बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर दिखी है सतना विधानसभा में। मैं तो ये मानता हूँ कि गणेश सिंह ने जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी उनका यहाँ पर क्रियान्वयन किया है थोड़ा बहुत, पर पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता। पर हाँ, ये बात सही है कि उन्होंने काम किया है, जैसे हर घर नल का काम हो गया, एक बहुत ही बड़ी मजबूती वाला काम है जो उनके द्वारा मिला। उसके बाद राशन वाला जो है उसके हिस्से में बहुत सारे लोगों का पेट पालना, या दीनदयाल उपाध्याय रसोई जो कार्यक्रम चलाए गए, एक अद्वितीय काम है, इसमें कहने वाली बात नहीं। पर कुछ मुद्दों में जो कहा जाए 20 वर्षों का कंपटेंसी हो गई, 20 वर्षों से शासन कर रहे थे और उसके कारण बहुत सारी विसंगतियां हैं, उनका विरोध भी झेलने को पार्टी को मिल रहा है। अब देखते हैं आगे क्या है। लक्ष्मण जी के पास चलेंगे। लक्ष्मण सिंह जी, आप कैसे देखते हैं सतना के विकास की स्थिति को, या जो कार्य वहां हुए हैं सरकार द्वारा जो कार्य किए जाने थे उनको कैसे देखते हैं आप? मैं इसको तो पहली बात तो ये मानता हूँ कि अगर भाजपा सरकार ने, जैसे गणेश सिंह लोग पूछ रहे हैं सवाल कि 20 सालों से आपने क्या किया, तो इन्होंने जो काम किया है स्वाभाविक सी बात है बहुत अच्छा काम किया है। जैसे इन्होंने हमारे यहाँ स्वास्थ्य की समस्या बहुत थी लोगों को आने जाने के लिए, तो मेडिकल कॉलेज जो कि हमारे पास नहीं था साल 2003 से पहले भी नहीं था, ना अभी साल 2018 समथिंग में मेडिकल कॉलेज आया। जल थल योजना भी बहुत अच्छी योजना है इनकी। और मुझे लगता है कि सरकार ने जो सीएम राइज स्कूल और भाजपा सरकार ने और ये सब चीजें, कुछ लाडली बहना योजना और आपका जो ये योजना है, कहीं ना कहीं सरकार लोगों को है, बेरोजगारी थोड़ी जरूर मुद्दा है, तो वो हो सकता है कि उसके लिए भी काम किया है सरकार ने। ऐसा नहीं है कि मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप है, जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं, तो काम अच्छा है सरकार का। और इससे पहले जो हमारे डब्बू कुशवाहा जी थे, तो 5 साल इन्होंने भी रहा है, तो इन्होंने जो मुझे विकास अभी सौंदर्यीकरण में सिर्फ गेट लगाना और थोड़ी इन्होंने ये काम किया, जो किसान कर्ज माफी और ये जो वादे थे इन्होंने पेंशन देना 15 महीने की सरकार में, तो इन्होंने सरकार थी नहीं तो भी ध्यान नहीं दिया है, तो इसलिए विकास तो यहाँ तो भी ठीक है। हम आपके पास लौट के आएंगे, संजय जी के पास भी चलेंगे। उसके पहले विपिन जी से उनका मत ले लेते हैं कि विपिन जी क्षेत्र में थे, आप सतना में लोगों से बात कर रहे थे, सतना विधानसभा क्षेत्र में आपने जनप्रतिनिधियों से भी बात की है वहां पर, तो लोगों का क्या कहना था विपिन जी, आपको कौन से मुद्दे निकल के आए वहां आपके लिए? जी बिल्कुल अखंड, मैं बताना चाहूंगा, मैं जब सतना में ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था तो वहां पर लोगों की जो गुस्सा थी वो सिद्धार्थ कुशवाहा पर कम, और वहां के जो सांसद है गणेश सिंह, वो लगातार 20 सालों से वहां पे सांसद है, बड़े होदे पे रहे हैं, उन पे ज्यादा लोगों की गुस्सा दिखी। वहां पे लोग यही कहते नजर आए कि 15 महीने की सरकार में सिद्धार्थ कुशवाहा क्या ही कर सकते थे।
मगर यहाँ पे लगातार सांसद बनते आ रहे हैं गणेश सिंह, इन्होंने कोई ऐसा विकास के कोई नए आयाम नहीं गढ़े जो गढ़ने चाहिए, जो लगातार विकास सतना का जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो पाया, लोगों में आक्रोश दिखा, लोग ये तक कहते नजर आए कि ये किसी एक जाति वर्ग से जोड़ के भी उन्हें देखा गया, तमाम उनके मुद्दे रहे, लोगों का ये भी कहना था कि यहाँ के लोग पलायन ज्यादा कर रहे हैं, यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य की भी बदहाली है। तो रिपोर्ट कार्ड में कुल मिला के जनता ने जो ओपिनियन जो अपनी राय रखी उस राय से मैं संजय तिवारी जी जो बता रहे थे उनकी बातों से कहीं ना कहीं सतना की जनता की आवाज झलकती है, उन्होंने जो बात कही है मैं उन बातों से मैं जनता की आवाज को देखता हूँ। जी अखंड विपिन जी, निश्चित ही आप जनता के बीच से जनता की आवाज आप बता रहे हैं। लक्ष्मण जी ने भी जो बात कही है वो भी वहां के मतदाता है, वो भी जनता की ही आवाज है, और संजय जी भी जो बातें रख रहे हैं वो भी जनता के बीच से ही आवाज आ रही है। इन जो मुद्दे आप विपिन जी ने रखे हैं यहाँ पर, रोजगार की एक बात आई है निकल के जनता के बीच से, सतना में रोजगार की क्या स्थिति है इसमें हम बाद में बात करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात विपिन जी ने उठाई है, जनता ने इनसे जब ये क्षेत्र में थे जो भी कह रहे थे, तो शिक्षा की जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था शासन के जो तंत्र हैं उनमें कैसे चल रही है, एक बड़ा सवालिया निशान इस पे खड़ा होता है। हम पूरे विंध्य क्षेत्र की बात करें, मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों के अपेक्षा तो सतना भी उसी में शामिल है। विंध्य क्षेत्र में शिक्षा की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब मानी जा रही है। स्कूलों में टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए, एक ही कमरे में पहली से पांचवी तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको, किसी किसी विद्यालय में शिक्षक ही नहीं है। ये स्थिति जो है इसको सतना में कैसे देखते हैं, संजय जी कैसे देखते हैं सतना में स्थिति आपकी? सर, जो शिक्षा का क्षेत्र रहा है मध्य प्रदेश में, तो कई सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए योजनाओं के माध्यम से, जैसे अभी से नई शिक्षा नीति आई 2021 की, उसमें भी लागू करने के लिए बात कही गई। सतना में भी कहीं कहीं लागू भी है, किसी स्कूलों में पूरी तरह से तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं आया उसका, पर ये बात सही है कि शिक्षा में सरकार ने जो मध्यान्ह भोजन हो गया, स्कूल घर में डे मील्स हो गए, कई योजना चला के सरकार काम कर रही है, पर जिसका सही क्रियान्वयन है वो नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने जो बात की अखंड की, उससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि हमारे हमारे ग्राम में जहाँ से हम लोग आते हैं वहां भी एक स्कूल है, वहां भी मतलब ग्राम पंचायत का जो स्कूल है वहां भी शिक्षा के सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं है, बैठने को बच्चों को अच्छी व्यवस्था नहीं है, और ये मानना जाना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए कार्य अनुपलब्ध है। मैं वो मानता हूँ कि आज भी जो एजुकेशन भर्तियां हो रही हैं, अन्य चीजें हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जी सरकार जो नौकरियां निकाल रही है वो कहीं ना कहीं अपनी वोट बैंक की राजनीति के तहत निकाल रही है। मैं ये मानता हूँ कि अगर जैसे कि आप अभी आरक्षण के ऊपर, अभी आरक्षण का मुद्दा बना रहा, पीएससी का एग्जाम काफी समय तक के लिए अटका रहा, केवल जातिवादी मुद्दा कहलाने, भाई एसटी को आप दे रहे थे परसेंट, जनरल को दे रहे थे परसेंट, और ओबीसी को परसेंट, उसके तहत अभी एग्जाम में 2-3 साल जनता के बीच जो खेल हुआ उसके बाद भी स्कूल शिक्षा विभाग में बोला जा रहा है महिलाओं के 50% भर्ती करेंगे, ये सब चीज लुभाने का काम हो रहा है, ये नहीं देखा जा रहा है कि कहां किसकी मांग है। मैं तो मानूंगा और हमेशा कहूंगा कि सरकार को अपने उनका जो दरिया होता है वो राज्य के विकास में काम करना चाहिए, ना कि वोट बैंक की राजनीति करनी चाहिए। आज हमारे क्षेत्र में जितने भी विधायक हैं, एमएलए हैं, वो किसी पार्टी के हों, वो किसी भी समाज के हों, इससे कोई मतलब नहीं है, वो लोग अपने जेब की राजनीति कर रहे हैं। जो हमारे सतना विधानसभा का दौर चल रहा है उसमें बीजेपी है, कांग्रेस है, बहुजन है। अभी मैं आपको बताऊं, जब टिकट बंटवारा हो रहा था तो जो बहुजन से प्रत्याशी है शिवा चतुर्वेदी, वो पूरी तरह से बीजेपी के कट्टर मतलब माने जा रहे थे, कार्यकर्ता माने जा रहे थे, उनको टिकट मिलने का पूरा चांस था, पर जब उन टिकट गणेश को नॉमिनेशन हो गया तो पार्टी छोड़ के बीएसपी में चले गए। उन्होंने जनता जनता की बात नहीं सोची और उन्होंने ये नहीं सोचा कि पार्टी उनको क्या दिया। अब जैसे कि जो कांग्रेस विधानसभा से डब्बू को मिल गई, उसके तहत आज भी देख लीजिए अजय सिंह राहुल भैया, अन्य नेता जो है उनसे कटे हुए नजर आते हैं, और हमारे क्षेत्र में शिक्षा, हमारे विधानसभा में शिक्षा का कोई भी मतलब पहल द्वारा नहीं की गई है, केवल वोट बैंक की राजनीति की जाती है। मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ कि शिक्षा में काम हुआ है, जो प्रॉपर रूप से काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। आज भी हमारा जो क्षेत्र है स्कूल में कई किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है, ऐसी विधानसभाएं हैं आज, ग्राम प्राथमिक प्राथमिक शिक्षाएं जो मिल रही हैं
आप यहाँ भी सेंटर आज तक नहीं आया पेपर देने के लिए। आज भी हम लोगों को यहाँ से 15 किलोमीटर पेपर देने के लिए सेंटर मिलता है। हम लोग सतना पेपर देने जाते हैं 8-9 बजे के कड़ाके की ठंड में, 9 बजे से पेपर रहता है, बच्चे कैसे पहुंचते हैं और वो कैसे पेपर देते हैं। आज तक भी व्यवस्था नहीं है कि हम लोग 1-2 किलोमीटर में हमारा का सेंटर हो और बच्चे पेपर दे पाए। पूरी तरह से फेल नजर आती है हमको ये सरकार। अखंड जी लक्ष्मण जी के पास चलेंगे हम, और जो बात अभी संजय जी ने यहाँ पर कही है, विपिन जी ने भी बताया, शिक्षा की जो स्थिति है, शिक्षा वह माध्यम है जिससे व्यक्ति अपने भविष्य को बेहतर कर सकता है, और जब शैक्षणिक संस्थान हमारे जो है, जो हमारा प्राथमिक शिक्षा है, वही अच्छे से नहीं होगी तो आगे देश का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा, देश का भविष्य कैसे बेहतर होगा, ये सोचना होगा नेतृत्वकर्ताओं का, ये प्रश्न है, और नेतृत्वकर्ताओं को इस पर विचार करना होगा कि जो शैक्षणिक संस्थान है वो बेहतर ढंग से चले। नहीं तो यदि ये मूलभूत आवश्यकता के तहत रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य जो है वही नहीं मिल पा रहा है तो लोगों का कैसे विकास हो रहा है, वो विकास कैसे देखा जाएगा। और भी पहलू हैं, उनमें हम चर्चा करेंगे। एक बार हम लक्ष्मण जी के पास चलेंगे। लक्ष्मण जी कैसे देखते हैं आप ये जो प्रश्न उठा है शिक्षा पे और शिक्षा व्यवस्था पे, जबकि सतना विधानसभा जो है वो जिला मुख्यालय की विधानसभा है, जिला मुख्यालय के सभी कार्यालय सतना विधानसभा के अंतर्गत आते हैं और नजदीकी क्षेत्र माना जाता है, जिले से लगा हुआ है, सारे जो विधानसभा के जो अन्य ग्राम है इनके वो लगातार संपर्क में है। यदि वहां ऐसी स्थिति देखी जाएगी तो फिर सतना जिले की जब हम अन्य विधानसभा में जाएंगे, हम चित्रकूट की बात करेंगे, जब हम अब मैहर हाल ही में जिला बन गया, नहीं तो मैहर जैसे क्षेत्र जो है उनकी जब बात होती तो वहां क्या स्थिति होगी। हालांकि हम अभी चर्चा कर रहे हैं सतना विधानसभा की, तो सतना में आप कैसे देखते हैं इस व्यवस्था। सतना विधानसभा भाई साहब, हमारे संजय भाई साहब ने बताया जैसा कि, तो ऐसा नहीं शिक्षा क्षेत्र में, इस क्षेत्र में सतना में काम हुआ, जैसे यहाँ पहले एक यूनिवर्सिटी थी, अब देश प्रताप, अब विभिन्न क्षेत्रों में 2 यूनिवर्सिटी हो गई, तो शिक्षा के क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं और धीरे धीरे बढ़ भी है। आईटीआई कॉलेज बढ़ गए हैं, अब 372 पूरे अपने विभिन्न में इधर आईटीआई कॉलेज बढ़ गए हैं, जहाँ स्किल डेवलपमेंट का काम चल रहा है, भारत सरकार के मेक इन इंडिया और ये सब चीजें कार्य चल रही है, जिससे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। शिक्षा व्यवस्था में कार्य चल रहे हैं और लोग पढ़ रहे हैं, और ऐसा नहीं है मेडिकल कॉलेज जैसे है, तो यहाँ शिक्षा का विकास नहीं है तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे, कहीं ना कहीं से बच्चे तो आ ही रहे, पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा का पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता है कि शिक्षा का विकास नहीं हुआ, हुआ है। तो हमें जिस लेवल में चाहिए वो हम थोड़ा कम है, और थोड़ी और तेजी से हो सकता है, नेतृत्व की कमी हो या हमारे नेता थोड़ा उस पद को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो शिक्षा का विकास हुआ है और मुझे लगता है और तेजी से किया जा सकता है। इसी प्रकार शिक्षा से जब हम आगे बढ़ते हैं और विभिन्न क्षेत्र के आंकड़े जो है, हमारे चैनल ने इसमें रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आप देख सकते हैं, जो भी हमारे दर्शक हैं वो भी देख सकते हैं कि गरीबी में, बेरोजगारी में, पलायन में विभिन्न क्षेत्र मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों की अपेक्षा सबसे ज्यादा आगे है। मतलब यहाँ पलायन सबसे ज्यादा है, गरीबी सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, ये स्थिति विभिन्न क्षेत्र की, और विभिन्न क्षेत्र में ही हमारी सतना विधानसभा भी आती है। तो मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों की अपेक्षा विंध्य में जब आप समर्थन देने की बात करते हैं, यदि देखेंगे सत्ताधारी दल को समर्थन देने की बात में विंध्य आगे है। विंध्य में संसाधन की भी कमी नहीं है, प्रकृति की ओर से जो देन है वो भी पर्याप्त है, लेकिन उसके बाद भी यदि विंध्य पीछे रह जाता है तो बड़ा सवाल उठता है। जो हमारे दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, यदि उनका भी कोई सवाल है, उनका कोई सुझाव है कार्यक्रम से जुड़ा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ ही आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लक्ष्मण जी के पास चलेंगे। लक्ष्मण जी, जो ये आंकड़े हैं, जो आंकड़े बताते हैं कि यहाँ बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, पलायन सबसे ज्यादा है, उसको सतना में कैसे देखते हैं आप। सतना में बेरोजगारी मैं इसको दूसरी तरह से देखता हूँ कि लोग शिक्षा के लिए बिल्कुल बाहर भी जा रहे हैं, पलायन के लिए ऐसा नहीं है कि सभी लोग जा रहे हैं। यहाँ बिरला फैक्ट्री है, जेपी सीमेंट है, तो कई लोग यहाँ रोजगार भी कर रहे हैं। अब ये पूरी पूरी तरह कहना है कि पलायन हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक गलत बात है कि सब जा रहे हैं। तो अगर सभी अगर चले जाते तो सतना खाली हो जाता, तो भी पॉपुलर तो है, आखिर कहीं ना कहीं यहाँ लोग हैं, स्टेबल है, रुके हुए हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं रोजगार काम धंधा है, जैसे स्कूल शिक्षा है, जैसे मेडिकल कॉलेज आया तो नए नए लोगों को रोजगार मिलेगा, व्यापार चलेगा। आपका जो बिरला सीमेंट फैक्ट्री आपके यही सत्ता शहर में ही स्थित है, तो बिरला फैक्ट्री से ही काफी लोगों का रोजगार पेट भर रहा है, लोग अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। तो पलायन बाकी सतना क्षेत्र में अगर जो आप कह रहे हैं पलायन हो रहा है, तो कुछ कुछ तो होगा, स्वाभाविक सी बात है कि एक पक्ष तो हो ही नहीं सकता।
कुछ लोग जा ही रहे होंगे जिनको अच्छे रोजगार बाहर की अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी। हाँ, आने वाले समय में अगर सरकार अगर विंध्य क्षेत्र का अगर ध्यान देगी इसके लिए, जैसे अभी माधवगढ़ के क्षेत्र में आपका बहुत सारे प्लांट लग रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये तो दिखा रहा है कि विकास होगा और रोजगार मिलेंगे यहाँ, और लग भी चुके हैं। आप अगर आप अखंड जी कभी टाइम मिले तो कृपालपुर के तरफ आप जाइएगा, तो आप यहाँ पे जब देखेंगे मटेहना की तरफ एक तरफ से फैक्ट्रियां लगी मिल लगी है, आपका पाइपलाइन फैक्ट्रियां लग रही हैं, और यहाँ भी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ आईटी पार्क जैसे कुछ योजना स्किल डेवलपमेंट के लिए खोलने के लिए अलॉटमेंट भी करके गए हैं। तो रोजगार ऐसा नहीं है कि खत्म ही है, चल रहे हैं, मिल रहे हैं और कर भी रहे हैं लोग, पूरी तरह से पलायन की स्थिति नहीं है जी। हाँ संजय जी, आप अपनी बात रखना चाह रहे थे। सर मैं ये बोलूंगा, सर ने धन्यवाद लक्ष्मण जी आपका, आपको बताने के लिए। आपने बोला कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं सरकार ने, आपने बोला कि शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई ताकि लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में यहीं के बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा। उसके बाद आपने कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के स्कूल शिक्षा विभाग को भी प्रोन्नति दी। तो मैं तीन चार चीजों पर नजर रखूंगा। जब सर 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद मैं कांग्रेस की भी कुछ नीतियों को बताना चाहूंगा, उसके तहत मैं फिर यहाँ वर्तमान में आधुनिक भारत में भी लौटूंगा, उसके बाद मैं कुछ बात खत्म करूंगा। सर मुझे पता चला कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके पंचवर्षीय योजना करके हर एक बिंदु को चुन चुन के विकास के मुद्दे को अपनाया गया। न भारत में खाद्यान्न की उपलब्धता थी, न रहने के लिए मकान थे, न स्वास्थ्य की पर्याप्त सुविधाएं थी। उसके बाद आप देखिए कि उसके बाद आपके अंतरिक्ष विज्ञान का गठन किया गया 1969, एक अद्वितीय काम है कांग्रेस का। उसके बाद या जो चंद्रमा तक भारत पहुंच रहा कहीं ना कहीं कांग्रेस की देन है। उसके बाद आप आइए पंचवर्षीय के बाद देखिए, आप कई राज्यों को चुन के, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, कई राज्यों को चुन के खाद्यान्न उपलब्धता को बढ़ाया गया ताकि भारत अपना पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कर सके। उसके बाद बफर स्टॉक बनाए गए, आज हम खाद्यान्न अन्य देशों को बांट रहे हैं। कहीं ना कहीं एक कांग्रेस का द्वितीय काम रहा। ठीक है, शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने काम किया, भारत में कई आईपीएस का कई अधिकारी सचिव भी दिए, विदेश में भी आज कार्यरत हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों प्लांटेशन इंडिया का एफडीआई भारत आ रहा है, बहुत से लोग बाहर भी काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कहीं ना कहीं काम हुआ है, पर जब आप निजी स्तर पर देखते हैं आज भी सरकारी स्कूल चिंता का विषय बना हुआ है। कोई भी प्राइवेट बच्चा, अच्छा अब संपन्न बच्चा घर का हो, वो सरकारी स्कूल जाना नहीं चाहता। उसका एक रीजन कहीं ना कहीं मुझे ये चीज लगता है कि शिक्षा कहीं कहीं कमजोर हुई है, सरकार की तरफ से भरपूर उपाय नहीं किए गए हैं। मैं ये मानता हूँ आज 20 सालों में गणेश सिंह ने शासन 2003 से 2023 चल रहा है, 20 साल का उनका सांसदीय शासन रहा है। आज उम्मीदवार है और किस मुद्दे पर वो यहाँ वोट मांग रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं एक नागरिक हूँ यहाँ का, कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि जो इस वक्त उन्होंने काम किए हैं, चाहे चुनाव को नजदीकी में आके काम उन्होंने सोचा हो, जैसे नल धन योजना हो गया, तो केंद्र की जो योजना है घर नल लाने का, आवास का हो गया, और ये शौचालय की व्यवस्था हो गई, स्वच्छता मिशन हो गया, एक अद्वितीय काम है, ये कहने वाली बात नहीं है। पर इनका सही क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है? कौशल विकास केंद्र बनाए गए हैं, स्किल डेवलपमेंट का प्लान किया जा रहा है मध्य प्रदेश में कि हम स्किल करेंगे लोगों को रोजगार के लिए, उनके रोजगार का अवसर सिखाएंगे ताकि रोजगार प्राप्त कर सके। कई दुकानों को चिन्हित किया गया है कि आप वहां जाके काम करें, क्या उनका सही इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? आपके आपके घर या परिवार के अगल बगल से आप देखिए कि कौशल विकास केंद्र से वो जाके स्किल डेवलपमेंट करके कितना रोजगार चयन हुआ, उनको प्राप्त कर पाए, मुझे नहीं लगता। यही रही बात पलायन की सर, तो आए दिन सतना जिला में ग्रामीण स्तर में आप चले जाइए, गरीब का लड़का आज भी काम मुंबई दिल्ली और भोपाल नगरों में कर रहे हैं, गुजरात में कर रहे हैं। हम एक ग्रामीण परिवार से आते हैं, हम लोग कृषि कृषक हैं, हम लोग से जुड़ा हुआ रहा है, और बिंद हमारा जो रीवा है वो भी लगा रहा, हमारे आसपास से आदिवासी बस्ती भी है, ग्रामीण बस्ती भी लोग रहते हैं। आज हमारे यहाँ के बोला चाहिए मतलब जो यहाँ पे आपका सरे टोला बाड़ा हो गया, यहाँ के लोग तो नहीं पलायन किए हैं, पर आप आगे चले जाएंगे माध मोहन्ना मटेना, वहाँ के काफी लोग पलायन के क्षेत्र में बाहर काम कर रहे हैं। आज भी यहाँ पे बाड़ी मचियार का इलाका पीछे लगा है, रामपुर विधानसभा मानी जाती है, वहाँ के बच्चे जितने भी सब बाहरी बाहर काम कर रहे हैं। सतना में कोई रोजगार नहीं है, रोजगार पर्याप्त उपलब्ध साधन नहीं है। आप सर्वे कर रहे हैं, रिपोर्टर जी हमारे दिनेश सर हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो रिपोर्ट करके बताएं कितने लोगों को रोजगार यहाँ मिल रहा है। 5,000 6,000 के ऊपर रोजगार नहीं है।
कोई भी आओ, किसका रोजगार है? वो निजी कंपनियों का रोजगार है, जो जैसे इंडिया का शोरूम है, वहां आपको 6,000 की नौकरी मिल रही है, आप चले जाइए 6,000 नौकरी देने शाम को आ जाइए, ये रोजगार सृजन है क्या? ये सरकारी फंड से आपको रोजगार मिल रहेगा? अब जो जो प्लांट है, जो कंपनी के प्लांट्स हैं, चाहे बिरला हो गया, जेपी हो गया, रिलायंस हो गया, ये सब प्लांट्स है प्राइवेट, यहाँ के लोगों को जॉब नहीं रखते। उनका कहना ये है कि जो यहाँ के लोगों को जॉब में रखेंगे तो ये तानाशाह हो जाएंगे और हम लोग की बात नहीं करेंगे, जगह जगह सेटिंग बना के हमारा सामान इधर उधर करेंगे, यहाँ कहने लोग। आज भी गणेश सिंह ने एक एक लोगों को भी रोजगार नहीं दिलाया इन बड़ी कंपनियों में, ना ना डब्बू ने दिलाया, मैं किसी एक नेता की बात नहीं कर रहा हूँ सर, नेताओं ने ही देश को बर्बाद कर दिया। आज की विधानसभा की जो स्थिति है, मैं ये मानता हूँ जनता आक्रोशित है, यहाँ बहुजन की भी सरकार बन सकती है, विधायक गिर सकता है, आप लक्ष्मण भाई से पूछ लीजिएगा, या बीजेपी की बन सकती है या उसकी बन सकती है। मैं तो ये कहूंगा जो अभी जो शिक्षा का देखिए शिक्षा के लिए काम हो रहे हैं पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। हाँ, महानगरों में शिक्षा आए दिन मजबूत हो रही है। आज आज बताइए, आज बड़े संस्थान कोचिंग संस्थान क्यों नहीं खोले गए सतना जिला में? क्यों नहीं खोले जाते? जब भाई ऐसे जब सुविधा क्यों नहीं दी जाती? जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे, सुविधा नहीं है यहाँ पे। आज भी आप 10 बजे रेलवे स्टेशन से आपको अगर अपने ग्रामीण क्षेत्र जाना हो तो आपको ऑटो नहीं मिलेगा। ये विकास है स्मार्ट, और ये स्मार्ट सिटी में नंबर वन, मतलब 41वें 42वें नंबर का रहा है जिला अपने मध्य। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी ये ऐसा काम नहीं हुआ जिसे लोगों को वो मिल सके, रोजगार मिल सके, वो मिल सके। हाँ, ये बात सही है कि ये जिला एक एक चर्चा का विषय रहा, अर्जुन सिंह ने यहाँ से चुनाव लड़ा, या सकलेचा जी ने चुनाव यहाँ से लड़ा, बड़े बड़े चेहरे यहाँ पे चुनाव लड़े, और आए दिन जब रैलियां होती हैं, अभी 7 तारीख को मोदी जी का कार्यक्रम यहाँ होने वाला है, उसके पहले मुख्यमंत्री का रोड शो हुआ, 2 दिन पहले रोड शो हुआ था, नाम मात्र की जनता नहीं थी, जनता पूरी तरह से उनको नकार चुकी है, जबरदस्ती का शासन है, उस आदमी को जनता ने नकारा था, इन्होंने सरकार गिरा के तोड़ मरोड़ करके इन्होंने सत्ता में बैठना। बीजेपी का केवल काम रहता है सत्ता में तोड़ मरोड़, सत्ता में आना और फिर मनमानी करके अपना ऐश करना। ठीक है, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। संजय जी ने अपनी बात रखी है, उनका कहना है कि जो योजनाएं शासन ने लागू की है उन योजनाओं का धरातल में सही क्रियान्वयन होना चाहिए, वो योजनाएं जो शासन से जारी हुई है, शासन की तरफ से चलाई गई है, वो उनका विरोध नहीं करते। उनका कहना है कि वो धरातल में बेहतर ढंग से लागू हो, लोगों को उनका लाभ मिले और वो सही ढंग से दिखाई भी दे। और एक बात आई है जो रोजगार को लेके और उद्योग की बात है, निश्चित ही सीमेंट फैक्ट्रियां सतना क्षेत्र में स्थापित है, पर जो संजय जी ने बात कही है वो एक प्रश्न चिन्ह छोड़ता है कि जो स्थानीय निवासी है, स्थानीय लोग हैं, उन्हें कितना कार्य दिया गया है, उनको छोड़ के जिनकी जमीनें वहां फंसी हों, उनको छोड़ के अन्य को कितने लोगों को काम दिया गया है, ये एक बड़ा प्रश्न उठता है वहां पर। हम विकास कार्यों की बात करेंगे। अभी एक बात उठाई है संजय जी ने कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो सतना आ रहे, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ सतना में, साथ ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी को भी सतना आना है, तो सतना सारे नेता जो दौड़ लगा रहे हैं सतना विधानसभा में, टारगेट कर रहे हैं सतना को, तो वो क्या कारण है कि सभी के लिए इतना महत्वपूर्ण बना हुआ है? एक बात यहाँ पर रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा की भी आई कि वो पार्टी में थे, पार्टी छोड़ के फिर बहुजन समाज पार्टी में गए, भारतीय जनता पार्टी से, और आज मैदान में है, चुनाव मैदान में है। और पिछले चुनावों की भी हम बात करें तो पिछले चुनाव में भी शंकरलाल तिवारी मैदान में थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सिद्धार्थ कुशवाहा थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और पुष्कर सिंह उस समय बागी हुए थे, और बागी उन्होंने चुनाव लड़ा बहुजन समाज पार्टी से, और उसका असर जो भी हुआ वो सामने आया। बहुजन से लड़े थे, वो भी बता दूं, वो भी बीजेपी से भाग के गए थे बहुजन ने, और 28,000 मतों का नुकसान किया था बीजेपी को, उसने हराने का काम पुष्कर सिंह ने ही किया है। और वो जो भाग न जाते तो जो ये 28,000 थी तो 17 से 18,000 वोट उनको मिलती, तो कहीं ना कहीं शंकर लाल चुनाव जीत सकते थे, इसलिए कि 58,000 वोट डब्बू को मिले थे, 48,000 वोट शायद शंकर लाल को मिले थे, 28,000 वोट इनको मिले थे। संजय जी ने बात में अपने जो तर्क थे वो उन्होंने जोड़े हैं। हम विपिन जी के पास चलेंगे एक बार, फिर लक्ष्मण जी के पास चलेंगे। विपिन जी, आप क्षेत्र में थे जो ये समीकरण बन रहे हैं वहां पर, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह हुआ, उन्हीं के कार्यकर्ता जो रहे, उन्हीं के पार्टी में पदाधिकारी रहे, वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव मैदान में आ गए, पिछली बार भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला था, और ऐसे में जो मुकाबला है तो उसको जनता की तरफ से कैसे देखते हैं आप? क्या स्थितियां हैं कुछ सतना में?
जी बिल्कुल अखंड, मैं ये भी दर्शकों को बताना चाहूंगा, मैं चूंकि ग्राउंड पे था और ग्राउंड का माहौल तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन इन दिनों विंध में जो है सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जैसा कि अभी जिक्र हो रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इसी तरह से 9 तारीख को मैं बताना चाहूंगा कांग्रेस की प्रियंका गांधी भी सतना आ रही है। और सतना सबको पता ही क्यों, विंध पूरा विंध ही क्षेत्र जो है बड़े नेताओं के टारगेट में है। वजह ये बताई जा रही है कि वहां पे एंटी एनकम्बेंसी का फैक्टर देखा जा रहा है, लोग जो है सत्ता पक्ष से इतना खफा है, इतना नाराज है, वजह साफ है, नाराजगी की वजह साफ है। आज का युवा जागरूक है और युवा अपने हक की बात करता है, रोजगार की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है, शिक्षा की बात करता है। उसी के तहत देखा जाए तो अभी हाल ही में ही सीएम का भी दौरा हुआ है, अभी 2 दिन पहले ही भाजपा के बड़े नेता रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, दौरा करके विंध दौरा पे थे, वो भी दौरा करके गए हैं। तो आने वाले समय में सतना में भी कई नेताओं के दौरे हो रहे हैं, लेकिन वहां के जो सतना के मेन मुद्दे हैं, अभी यहाँ पे लक्ष्मण जी ने बोल रहे थे कि रोजगार की बात कर रहे थे, मैं चूंकि ग्राउंड में था तो वहां की जनता जो है रोजगार के मुद्दे पे जो बताया उसे ही मैं यहाँ पे रखूंगा। वहां के युवाओं ने मुझे जो बताया कि भैया यहाँ पे रोजगार की बात तो होती है, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़ी बातें होती है, लेकिन सतना की जो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं वहां पे काम करने वाले जो लोग हैं यहाँ कोई है ही नहीं, बहुत कम लोगों को ही यहाँ पे रोजगार मिलता है। मैं उन्हीं के आधार पर ही बात कर रहा हूँ, मेरी इसमें से कोई मेरी बात नहीं है, मैं सतना के लोगों से, सतना के युवाओं से, सतना की महिलाओं से, सतना के बुजुर्गों से जो सुना और जो जाना वो स्पष्ट निकल के सामने आया है। जी अखंड, विपिन जी ने जैसे बात रखी है यहाँ पर, और निश्चित ही चुनावी तैयारी है, चुनावी वक्त है, तो पार्टी के पदाधिकारी, उनके शीर्ष नेतृत्व जो है वो सभी चुनाव प्रचार में आएंगे और उनको आना भी चाहिए, अपने क्षेत्र में अपने प्रत्याशी की मदद करने वो आ रहे हैं, एक जनता का जो रुख है वो देख रहे हैं। इन सबके बीच जो सतना के मूल मुद्दे हैं, जो सतना की मूल बातें हैं, इस चर्चा में हम उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमारे साथ जो दो आज चर्चा में व्यक्ति जुड़े हुए हैं वो दोनों मतदाता भी है, सतना के मतदाता के रूप में भी उनकी बातें यहाँ सामने आ रही है, जनता के जो मुद्दे हैं उस रूप में भी बात सामने आ रही है। और यदि हम अपनी इस चर्चा में जनता की तरफ से कुछ मुद्दे जो रह गए हैं जिनमें कार्य होना चाहिए उनकी बात की शुरुआत करें, लक्ष्मण जी हम आपके पास आएंगे, क्या मुद्दे देखते हैं आप, क्या कारण देखते हैं या क्या कार्य देखते हैं आप जो सतना में होने चाहिए थे और नहीं हो पाए हैं, एक मतदाता के तौर पर, एक सतना के निवासी के तौर पर? सतना में जैसे अभी बहुत सारे, जैसे शहर के अंदर की अगर बात करें तो शहर में रोजगार तो है ही है आपका थोड़ा, रोजगार के बाद आप स्वास्थ्य की बात करेंगे तो यहाँ अभी हॉस्पिटल का विकास हुआ है और अभी जैसे ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं और कुछ काम चल रहा है और बेड कुछ 400 बेड करीबन कर दिए गए हैं जिले अगर स्तर है तो जिले स्तर, उसके बाद सीएससी और पीएससी हॉस्पिटल्स का भी निर्माण हुआ है और उनका भी शायद अब किसी दिन यहाँ के लोग अगर अभी कट के और उसके बाद यहाँ उसका कार्य चालू हो जाएगा, हॉस्पिटल चालू, ब्लॉक स्तर पे भी हॉस्पिटल, स्वास्थ्य के क्षेत्र पे, शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ हो चुका है और आने वाले समय में इस शहर को विकास के लिए मुझे लगता है कि यहाँ और जैसे एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की कमी है और आपका कृषि विश्वविद्यालय भी और 2-3 खुल जाए तो लोगों को कुछ शिक्षा के क्षेत्र में बाहर ना जाना पड़े, कोचिंग संस्थान जैसे हमारे संजय भाई साहब बता रहे थे, तो यहाँ एक्चुअली यहाँ थोड़ी कहीं ना कहीं लोग भोपाल इंदौर की तरफ रुख करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं शिक्षा थोड़ी हमारे क्षेत्र में कम है और तो वो होनी चाहिए, मैं भी इस बात से सहमत हूँ संजय जी के। तो बेरोजगारी तो है, बेरोजगारी के लिए तो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि बेरोजगार अगर नहीं हो रहे होते तो बेरोजगार युवा, सबको रोजगार है, सबको सरकार रोजगार दे भी नहीं सकती, पहली बात तो ये भी है, एक एक मात्रा तक ही रोजगार, एक सीमित मात्रा तक ही दे सकती है पहली चीज। उसके बाद आदमी युवाओं को भी ये चीज जानना पड़ेगा कि भाई हमें भी कुछ उद्यम लगाना चाहिए, जो सरकार हमें लोन दे रही है या जिस माध्यम से भी मिले तो उसे लेना चाहिए और काम करना चाहिए और स्वाभाविक रूप से सरकार अपनी तरफ से तो कोशिश कर रही है। मुझे जैसे दोनों अगर मैं तुलना करूं तो अभी जो करंट में सरकार है आपकी भाजपा सरकार, इन्होंने जो कि कुछ योजनाएं दी हैं ठीक ठाक योजनाएं,
अभी सरकार, अब कांग्रेस सरकार ने तो वादा किए हम ये देंगे, अब वो कितना यथार्थ रूप में कब तक उतरेगा, अगर सरकार बनेगी या नहीं बनेगी तो उतरेगा कि, इसकी तो कोई भरोसा नहीं। क्योंकि अगर किसान सम्मान निधि जैसे बड़ी बड़ी योजनाएं अगर मोदी जी दिए हैं, आपके आज संजय जी किसान आदमी है तो खुद वो इस चीज को जानते हैं बेहतर कि किसान सम्मान निधि मिल रही। कहीं ना कहीं ये, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 6,000 रुपए से किसी का पेट भर जाता है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो मदद हो ही जाती है। आम किसान जो 5 5 एकड़ से कम के किसान है, इनके लिए बहुत बड़ा योगदान है, और बड़े किसानों के लिए तो कोई बात ही नहीं है। उस हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से अगर बात करेंगे तो सरकार ने मेधावी छात्र योजना दी, अगर जिसको भी पता हो, जो लिख रहा हो वो ले, आज की योजना नहीं है, साल 2017 में योजना आई थी। मेधावी छात्र कई बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके पास फीस देने का पैसा नहीं है, ये सरकार की ही हमारी योजना है। हम ये नकार, पूरी तरह से नकार नहीं सकते, ये भ्रष्ट सरकार है, सब भ्रष्ट 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 है, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए भी आपका खेलो कमाओ योजना अभी लॉन्च की, लाडली बहना दे रहे हैं, इससे पहले मेधावी छात्र आपको बता ही चुका हूँ। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि पूरी तरह से सरकार भ्रष्ट है, और बीजेपी की ही सरकार की। मैं साल 2013 के बाद से, जब मैं जब पढ़ाई कर रहा था उसके बाद मैं सड़कों में, यही मेरे को जाना पड़ता था सपना, यही सड़कें थी जो मुझे सिमरिया तक जाना पड़े या मेरे रीवा जाना पड़े तो मुझे 4 घंटे लगते थे। आज यही सड़कों की बदौलत मैं कहीं ना कहीं अपनी ग्राम सड़कों से, ये सड़कें जुड़ गई हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना से ही, मुख्य मुख्य मुख धारा में जुड़ गई हैं, और लोग जा भी रहे हैं, आज विरोध कर रहे हैं। ठीक है, आज आज की समस्याएं दूसरी हैं, हो सकता है और आने वाले समय में और भी दूसरी बदलाव के सर, साथ। अगर सर मैं कुछ बात बोलना चाहूंगा सर, लक्ष्मण सर संजय के, जी, संजय जी आपके पास आ रहे हैं। हाँ तो लक्ष्मण जी ने अपनी जी। मैं यही कह रहा हूँ कि नए मुद्दे हो सकते हैं सर। अब देखिए, सतना शहर में कहीं ना जातिगत जनगणना, जातिगत वोट के भी हो सकता है इम्पैक्ट पड़े, तो अगर ऐसा होता तो, पिछली बार रामपुर में आपके राम प्यासी जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो एक तरफा वोट है, जबकि वहां 75,000 वोट थी। जनता भी जानती है कि कौन सी सरकार ने काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, और बाकी जनता का निर्णय है। जनता अब 17 तारीख को वोट देगी और देगी कि कहाँ जाना चाहती है निश्चित ही ये। जनता का निर्णय है और जनता को देखना होगा कि उनके क्या वर्तमान के हित में है, क्या उनके क्षणिक हित में है और क्या उनके भविष्य के हित में है, ये जनता देख रही है। बिल्कुल और जब बात आई है एक यहाँ पर जाति समीकरण की, तो सतना में जाति समीकरण प्रभावी रहते हैं, और ऐसे में यदि देखेंगे तो जो दो बड़े दल माने जाते हैं उन्होंने ओबीसी चेहरे पर विश्वास जताया है, तो बहुजन समाज पार्टी से एक ब्राह्मण चेहरा मैदान में है और अन्य पार्टियां भी मैदान में अपने भाग्य को आजमा रहे हैं, उनके प्रत्याशी भाग्य को आजमा रहे हैं। अब जनता के ऊपर है कि वो किसका कार्य देखती है, कैसे देखती है। एक बात आई है कार्य करने की, तो हम संजय जी के पास चले, उसके पहले जनता के बीच की ही बात है कि 20 वर्ष कम नहीं होते हैं। 20 वर्ष में एक जो बालक होता है वो जन्म लेके, बालक बालिका कोई भी हो, जन्म लेके और वो अपनी पढ़ाई पूरी करने की स्थिति में आ जाता है और समाज को संभालने की और अपने घर को संभालने की स्थिति में आने लगता है। तो एक इतना कार्यकाल जनता ने दिया है किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को, तो वहां पे यदि जनता अपने लिए पूछ रही है तो पूछना चाहिए निश्चित ही। जैसे अभी लक्ष्मण जी भी बात रख रहे हैं, संजय जी भी बात रख रहे हैं, विपिन जी ने बताया, जनता के बीच से जनता को सवाल करना ही चाहिए। यदि आप सवाल नहीं करेंगे, आप बोलेंगे नहीं, तो आपकी जो स्थितियां हैं, जो समस्याएं हैं, वो उनमें सुधार नहीं हो पाएगा। जी संजय जी आप अपनी बात रखना चाह रहे थे। सर मैं अपनी बात कहना चाह रहा था कि जो लक्ष्मण सर बोल रहे हैं कि पूरी पूरी तरह से सरकार फेल नहीं है, पूरी तरह से हर बातों पे सरकार फेल होती नजर नहीं आ रही है, तो बात कहीं तक सही है। राज परिवहन पे बहुत बड़ा काम किया है केंद्र सरकार ने, जो नितिन गडकरी हमारे राज परिवहन डिपो के वो है मंत्री हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारत में रोडों पर निर्माण, एक रोडों का जाल बिछाया है जो एक अद्वितीय काम है, कहने की बात नहीं। बहुत बड़े फंड हो गए, आपकी नाल, एक केनाल जो अभी बनाई गई आपके उद्घाटन के लिए, नितिन गडकरी ही आए थे, फिर वहां पे आपकी अभी बना कौन सा ना, ये जो बनाया गया उसमें आए थे, और रोड के विषय में तो यहाँ पर नहीं, विश्व के, अपने भारत के बाहर विश्व में भी सराहा जाता है भारत को।
नितिन गडकरी के करतूती काम है कई से बहुत सारे रोडों का, पर एक चीज ये भी है, रोड तो ठीक है, उसके बाद मैं परिवहन पर, उनका अलग ही विभाग है, उनका अलग ही काम है। उसके बाद उन्होंने बोला कि शिक्षा में पूरी तरह से फेल नहीं माना जा सकता, स्वास्थ्य में पूरी तरह से फेल नहीं माना जा सकता, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो बीजेपी सरकार ने काम किए हैं। मैं तो ये मानता हूँ जैसे कि अभी आवास का एक मुद्दा है, कई घर ऐसे थे, कई परिवार ऐसे थे जहाँ आवास की उपलब्धता नहीं थी, पर केंद्र सरकार ने आवास योजना ला के सबको पक्का मकान देने का वादा जो किया था, एक अद्वितीय काम है, कहने की कोई बात नहीं, इसमें किसी पार्टी की बात नहीं है, बिल्कुल अद्वितीय काम है, मोदी का सराहनीय काम है। उसके चाहे स्वच्छता विभाग हो गया, स्वच्छता हो गया, स्वच्छता के तहत पूरे देश में झाड़ू लगाना, गंदगी को साफ करना, एक अद्वितीय काम, ये भी कहने वाली बात नहीं है। उसके बाद हर घर नल पहुंचाना, जब जहां लेडीजें मुंह ढक के मटका लेके दो दो किलोमीटर, 500 500 मतलब आधा आधा किलोमीटर पानी लेके अपने घर तक आती थी, ऐसे कई से गांव जहाँ पानी उपलब्धता नहीं होती थी, वहां तक पानी पहुंचाने के काम अद्वितीय काम है, इसको भी सराहना करा नहीं जा सकता। मेन जो बात है सर, तो मैं तो ये कहना, गणेश सिंह पूरी तरह से फेल होते नजर आए। सतना विधानसभा है, सतना विधानसभा है, वो आज देखिए आप ये बताइए, सतना में सबसे बड़ा ताकतवर नेता उतारा गया है, गणेश सिंह सांसद हैं, पहली बार उनको विधानसभा उतारा गया है, तो की प्रत्याशी थे, अच्छे प्रत्याशी थे, बड़े प्रत्याशी, नामी प्रत्याशी, विधायक भी थे, उन्हीं पार्टी की टीम में लगातार एमएलए रहे हैं, पार्टी के अच्छे अच्छे नेता रहे, पर उनको नहीं चुना गया। प्रहलाद पटेल देख लीजिए आप, कैलाश विजयवर्गीय देख लीजिए आप, राकेश सिंह यहाँ से देख लीजिए, वहां आपके जबलपुर से देख लीजिए आप, जितने भी बड़े नेता रहे हैं उनको सबको मैदान उतारा गया। कहीं ना कहीं बीजेपी को अपने काम का डर था कि हम लोगों ने काम नहीं किया, बस सही है, इनको जनता ने पिछली बार भी नकार दिया था, ज्योतिर सिंधिया के 25 25 एमएलए ये लेके पार्टी में शामिल करके फिर उपचुनाव जीत के सरकार बनी, ये जनता से परे नहीं। और रही बात, मैं अपनी बात अब रखूंगा सर, मैं जब 2003 में उमा भारती द्वारा बीजेपी सरकार को मध्य प्रदेश में वापसी हुई, 2003 की बात है, जब दिग्विजय सिंह हारे थे, उसी वक्त उन्होंने कई बातें जो कही थी, वो उनके घोषणा पत्र में आज आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, उन्हीं के घोषणा पत्र में ये बातें रही हैं कि मैं मध्य प्रदेश से दारू दारू को बंद करवा दूंगी, मध्य प्रदेश में नारी को सम्मान का सम्मान मिलेगा, हर घर महिला को सुरक्षा मिलेगी, हर घर महिला को न्याय मिलेगा, और स्व सहायक समूह की जो सहायक समूह की जो लेडीजी है उनको रोजगार सृजन करने के लिए ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे, उसका ब्याज भी जीरो होगा, ऐसे कई सरकारी मुद्दे रहे जो जिनों पर बात, उसके बाद बाबूलाल गौर आए, उन्होंने कुछ काम किया नहीं, उस बात की शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने आते ही एक बहुत बड़ा काम किया था, मुझे मैं शायद उस समय पेट्रोल पे था, उन्होंने जो सोसाइटी के किसानों का जो 12-12 हजार रुपए कर्ज रहा उसको माफ किया था, पहले जब उन्होंने शपथ ली थी उसके 15 दिन बाद, उसके बाद जब वो आगे आए तो उन्होंने केवल केवल घोषणाएं की, अभी आप 4-5 महीने का कार्यकाल देखेंगे अभी घोषणा होने का, तो उन्होंने केवल शिलान्यास किया रीवा सतना जबलपुर, अभी आपके यहाँ इको पार्क बनाया गया जबलपुर में, रीवा में उनका उद्घाटन किया था, केवल मेरे सतना में अभी वेंकटेश्वर मंदिर का लोकार्पण हुआ, ऐसे कई लोकार्पण हुए, ऐसे कई लोग यहाँ पर नहीं क्षेत्र में, अभी भीमा शंकर के नाम से लोकार्पण हुआ, उसके बाद अब उनका चले, मतलब एक ये देखिए फ्रेम फ्रेम पूरा लोकार्पण हो रहा था, वो कहीं भी जा रहे थे लोकार्पण कर रहे थे, आप 5 महीने में देख लीजिए जितने लोकार्पण कर गए हैं, अगर कांग्रेस सरकार आ जाती है तो पूरा बजट लगाए तो उन काम पूरा नहीं कर सकती। मैं एक चीज बता दूं, उनको कहीं ना कहीं डर था मैं इतना काम लोकार्पण कर जाऊंगा कि तुम इसे खा ले पाओ, उनको पता था। ठीक, अब आगे आइए, अब आगे बात करते हैं, अब शिक्षा पे बात हो ही चुकी है, शिक्षा पे रिपोर्टर जो हमारे दिनेश विपिन भैया हैं उन्होंने पूरी बात बताई है और आपसे परे नहीं है, वो जनता के बीच में रहे हैं, जितना रोजगार सृजन हुआ है, अपने जिले की बात करूंगा, अन्य क्षेत्रों की राजनीति नहीं करूंगा, मैं उनकी बात बता रहा हूँ, उन्होंने बोला कि हमारे क्षेत्र में एक भी रोजगार सृजन नहीं हुए हैं, मिलते नहीं है, आप फैक्ट्री में चले जाइए 800 वर्कर हैं तो 700 लोग बाहर के हैं, केवल 300 400 वो भी लेबर वर्क, 400 500 जो 250 300 लोगों को नौकरी मिली है, और लेबर वर्क है जो रात को जाता है, 4 कुबरी सीमेंट जो गाड़ी ट्रेन की आती है उनको उतारते, मेरे क्षेत्र के 5 लोग बसे, यादव लोग बसे हुए वहां काम करने जाते हैं, अभी भी ये आकर छुपा हुए, लक्ष्मण जी को पता है, मेरे क्षेत्र के निवासी है, मेरे क्षेत्र में ही रहते हैं, उनको पता है चीजें। अब आते हैं बात शिक्षा की, शिक्षा में कितना बड़ा काम हुआ है, हम भी बाहर से पढ़े हैं, लक्ष्मण भाई भी बाहर से पढ़े हैं,
रोजगार, अभी बी करने के लिए लक्ष्मण भाई भोपाल में रहे हैं, मैं भी कोर्स करने के लिए भोपाल में इंदौर में पढ़ा रहा हूँ 4-5 साल के लिए। शिक्षा में जितना बड़ा काम हुआ है ये कोई कहने वाली बात नहीं। अब आ जाते हैं आपके आपके क्षेत्र के मुद्दे पर, जनता की राय पर। मेन जो आपका चैनल है सर, ये चैनल को मैं सब्सक्राइब करूंगा। आप अखंड तिवारी, अखंड सिंह जी है ना, आपके चैनल से मैं बहुत प्रभावित हूँ। आप एक अच्छे वक्ता भी रहे हैं, पता चला आपसे तो बहुत अच्छा लगा सर आपके चैनल में आके। कुछ चीजें मैं बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से ही। तो सर ये बस बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे पार्टीवाद की राजनीति नहीं है, हमारे सपना में पार्टीवाद की राजनीति नहीं है, बात सही है। यहाँ पे आज शिवराज के चुनाव किसका हो रहा है, शिवराज के नाम पे चुनाव हो रहा है, क्यों ना मुख्यमंत्री रहे हैं, पर प्रचार नरेंद्र मोदी का हो रहा है, मन में है मोदी, मध्य प्रदेश के मन में है मोदी, शिवराज के नाम क्यों नहीं है, कई बैनर शिवराज के फोटो गायब है। आप चले जाइए, शिवराज खुदा से फेल है। आज रोड शो हुआ, 3 दिन पहले रोड शो हुआ था 1 तारीख को, आज लक्ष्मण जी मैं दोनों मौजूद रहा उस रोड शो पे, वो जनता नहीं थी, लक्ष्मण जी वहीं थे, हम भी वहीं थे, और दोनों लोग वो क्रैश वैष्णो माता मंदिर से और पनीला चौक तक गए, कोई पब्लिक नहीं, मुख्यमंत्री रोड शो कर रहा है वहां कोई पब्लिक नहीं। उसका जो पाठ बासी जितने भी अब यहाँ पे जो राजनीति चल रही है, जातिगत राजनीति चल रही है हर एक समाज विकास में। तो देखिए बीजेपी सरकार अगर विकास मुद्दे पर लड़ेगी तो काम खत्म है। अभी कर्नाटक चुनाव हुई है, बीजेपी सरकार कुत्ता से जनता ने नकार दिया है। अभी आप एग्जिट पोल देख रहे हैं, अन्य चैनल का एग्जिट पोल देख रहे हैं, आपके चैनल का भी एग्जिट पोल होगा, सब में जनता देखिए, रिपोर्टर हमारे टीम में बैठे हुए हैं वो बता देंगे, पूरी तरह से जनता नकार चुकी है। ये फालतू चुनाव में घुस रहे हैं ताकि हम लोग चुनाव को करें, नेता पूरी तरह ताकत से लगे हुए हैं, उनका जितनी ताकत बने वो कर रहे हैं काम। अब आ जाइए, मैं एक बात और कहूंगा लास्ट में, फिर लक्ष्मण जी को बोलने का, रिपोर्टर जो विपिन भैया है वो भी बात बताएंगे जो मैं बातें कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। जनता के बीच में जाएंगे तो बीजेपी के नाम पे बहुत गंदे शब्द बोल रही जनता। मैं नहीं कर रहा, मोदी के नाम की बात मैं कर रहा हूँ। सेंटर में कहीं ना कहीं राम मंदिर का निर्माण हो गया, 370 हो गया, ऐसे कई अद्वितीय काम है जो जिन्होंने किया है, पर एमपी में पूरी तरह से शिवराज सरकार फेल होती नजर आ रही है। एग्जिट पोलो हमारे हिसाब से 140 से 145 सीट कांग्रेस की बनेगी और 60 से 70 75 सीटों 80 सीटों के बीच में बीजेपी सरकार सिमट जाएगी, मैं आपको बता दे रहे हैं। सर संजय जी ने अपनी बात रखी है और हमारे कार्यक्रम में समाप्ति का वक्त हो रहा है। चर्चा बहुत है, बहुत चर्चा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, बड़ा क्षेत्र होता है और बहुत सारे मुद्दे हैं। हम किसी और दिन भी कार्यक्रम लेके आएंगे, सतना विधानसभा पर फिर से कार्यक्रम करेंगे। यहाँ पे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं ये कार्यक्रम, उन्होंने इस चर्चा को सुना है, ये आपके ही बीच के लोग हैं जो इन बातों को रख रहे हैं यहाँ पर। और आपकी भी यदि कोई बात है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चुनाव आपका है, मुद्दे आपके हैं, आपको ध्यान रखने होंगे कि आप जातिगत मुद्दे में जाते हैं या क्षेत्र के विकास को देखते हैं, आप अपने बच्चों का भविष्य देखते हैं या आप क्षणिक लाभ को देखते हैं। आपको ये भी देखना होगा कि कौन सी योजना कैसे चल रही है और कैसे क्रियान्वयन हो रहा है, और आपके मूल मुद्दे क्या है, आपके सतना के मूल मुद्दे क्या है, आपकी विधानसभा के मूल मुद्दे क्या है, आपको कहीं मुद्दों से भटकाया तो नहीं जा रहा है, सारी बातें देखनी होगी। कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, आपको सोच समझ के निर्णय लेना है। और मतदान के दिन आप सभी को मतदान करना चाहिए, क्योंकि मतदान आपका अधिकार और कर्तव्य दोनों है, आप अधिकार लीजिए और कर्तव्य निभाइए। साथ ही अपने क्षेत्र के विकास के मुद्दों को ध्यान रखिए, जब भी आपके जनप्रतिनिधि आपके क्षेत्र में आए आप अपने मुद्दों को लेके सवाल करिए, उनसे पूछिए कि हमारे क्षेत्र के लिए आपने जो वादे किए थे, जो विकास की बातें कही थी, वो कहाँ तक वो बातें पूरी हुई, तो वादे कहाँ तक पूरे हुए हैं, वो कार्य कितने हुए हैं। ये बातें आप करेंगे तभी आपके क्षेत्र में विकास की स्थिति बेहतर होगी और सुधार भी होगा, जो समस्याएं हैं वो हल होंगी। चुप रहना विकल्प नहीं है, हमें कहते रहना होगा, बात उठानी होगी और सारे आकलन सारे मूल्यांकन हमें स्वस्थ मन मस्तिष्क से करने होंगे। उनके शो में हमारे साथ आज चर्चा में संजय तिवारी जी जुड़े, संजय जी का धन्यवाद। हमारे साथ लक्ष्मण जी रहे, आपका भी धन्यवाद। विपिन तिवारी जी हमारे साथ रहे, आप रिपोर्टर हैं, आप क्षेत्र से बातें लेके आए, विपिन जी आपका भी धन्यवाद। आज के लिए अपना पंचे शो में बस इतना ही, कल मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए विपिन के साथ, नमस्कार।